मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। सरपरस्त न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। कोरोना का कोविड-19 का दूसरी लहर है। ऐसी सूरत हाल में हमने हमेशा कोशिश किया है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी राय आपके सामने में रखूं, किस तरीके से अपने आप को, अपनी फैमिली को कोरोना से, कोविड से आप बचा सकते हैं, सेव रख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी अफवाहें वैक्सीन को लेकर उड़ रही है, वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इन तमाम सवाल का जवाब हम जानेंगे डॉक्टर असीम मायती जी का। डॉक्टर असीम मायती जी, सरपरस्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, ये कोरोना वगैरह जो सेकेंड वेव है, ये कब तक रहेगा? मतलब अभी तो हमारे ख्याल से देखिए सेकेंड वेव ये मेरे हिसाब से जून का अंत तक रहेगा। ये अभी जो हम लोग का लॉकडाउन कर रहा है, ये तो आप जानता है फर्स्ट फेज लॉकडाउन आज खत्म हो जा रहा है, सेकेंड फेज लॉकडाउन अनदर 15 डेज 15 में तो कल से शुरू होगा। इसमें तो डेफिनेटली हम लोग का पास टोटल जो स्टैटिस्टिक्स आया, जो दो साइकिल ब्रेक हो गया। आप तो जानता है जैसे सेफ क्वारंटाइन टाइम इज 14 डेज, जो 14 डेज में एक तो जो क्रिटिकल जो पेशेंट है, जो क्रिटिकल मैंने अभी जो जितना वायरस कोविड-19 का वेरियंट है, सब क्रिटिकल नहीं है, लेकिन दूसरा मैंने जो मैक्सिमम क्रिटिकल वेरियंट जिसका शरीर में घुसता है उसको खत्म कर दे रहा है, जिसका इम्यूनिटी पावर ज्यादा है वो लड़के आ रहा है। नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन थ्योरी यही होता है। हाँ। और जो अब सेकेंड एज आरक्टो साइकिल बने, सेकेंड 15 डेज होगा, इसमें डेफिनेटली राजा ये कम होगा, माने न्यू वायरुलेंसी कम होगा, पेशेंट टू पेशेंट ट्रांसफर कम हो जाएगा। तो अब लोग होम आइसोलेशन में हम लोग है, अभी जैसे डर से नहीं देखता है, मास्क बिना कोई बाहर से निकलता नहीं, एक्सेप्ट सम फ्यू इडियट्स जो लोग एकदम इग्नोरेंट है। देखिए हम सब लोग को एक विनती कर रहा है, आपका भलाई के लिए आप नहीं सोचे, दूसरा के लिए आपको मास्क पहनना होगा, अपनी फैमिली के लिए, अपना फैमिली के लिए सोचना होगा, अपने रिलेटिव्स के लिए, दूसरा लोग के लिए। अगर आप के वैक्सीन ये नहीं पाएंगे तो आपको होगा तो और 1 लाख लोग को आप ये सकता है, मतलब स्प्रेड कर सकता है। ये सोच के आप लोग डेफिनेटली, आप जो क्वेश्चन किया है ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पैंडेमिक सिचुएशन हम एक बार बोल दे रहे हैं, कोई भी पैंडेमिक डिजीज, स्पेशली वायरस इन्फेक्शन, इवन बुबोनिक प्लेग भी जैसा था, ये 2 से 3 साल एकदम राज करता है। मैं एक बार 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 बोल 2 से 3 साल, ये जो पब्लिक सोचता है चाहे वैक्सीन दो नहीं दो, पब्लिक को होने तो ये 2 से 3 साल, माने दिसंबर 2022 तक हम लोग को होशियार रहना होगा। एक साल तो कंप्लीट हो गया, दूसरा साल चल रहा है। ये सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, सिक्स्थ वेव, ये जैसे समुद्रों का ढेव ये आते रहेगा। और इसमें अंदर हम लोग जितना एंटीबॉडी टाइटर फॉर्मेशन हो जाएगा हम लोग का, ये जो बाई इन्फेक्शन माने फेसिंग द इन्फेक्शन एक्टिव होके और पैसिवली हम लोग जो वैक्सीन ले ले रहा है, अगर ये ले लेगा तो हम लोग ये थर्ड वेव फोर्थ वेव उतना फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यहीं पर एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, जैसे कि इस बार जो है, पिछले मरतबा तो नहीं था, इस बार जो ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस जो है, वो जो लोग कोविड से जो मतलब पॉजिटिव हुए थे उन लोग को ही हो रहा, स्पेशली उन लोग को ना जो लोग जो है एजेड उम्र है या उनके पास और भी बहुत सारी बीमारियां है, डिजीज है, उन लोग को इफेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है, डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर असीम मायती जी से। हाँ देखिए, ये जो फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, आप लोग पेपर और सब टेलीविजन, ये भी इंडियन गवर्नमेंट इसको महामारी ऑलरेडी घोषित कर दिया, महामारी घोषित कर दिया, क्योंकि पैंडेमिकली इतना स्प्रेड नहीं हो रहा है। बंगाल में भी ऑलरेडी आ चुका है, बंगाल में भी आ चुका है, ये एक्चुअली पैंडेमिक डिक्लेयर तब करता है जो मोर देन 2 और 3 सिटीज अगर वो अफेक्शन हो जाता है उसको पैंडेमिक बोलता है, तो यदि लेस देन 2-3 सिटीज को पर्टिकुलर को एरिया में उसको एंडेमिक बोलता है। तो ये पैंडेमिक इसीलिए महामारी डिक्लेयर कर दिया कि वो बहुत संख्यक पेशेंट, ये ओनली, आप ठीक ही क्वेश्चन ठीक ही बोला, ओनली ट्रीटेड पेशेंट एवं सिम्टोमेटिक पेशेंट, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट बा जो आर साइलेंट कैरियर, दे आर द सुपर स्प्रेडर, आपको बार बार बोला सुपर स्प्रेडर, जिसका साइलेंट कैरियर है वो वैक्सीन, वो एक्चुअली उनको आइसोलेशन करके रखा ठीक है, बट वो लोग मास्क यूज नहीं कर रहा है, जिसका सिम्टम है वो डर से कर रहा है। और जितना टेस्ट होना चाहिए ये नहीं हो रहा है, ये बहुत दुख का बात है, और टेस्ट को और बढ़ाना पड़ेगा, टेस्ट बढ़ाने पड़ेगा, क्यों ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हम लोग का जल्दी 4-6 घंटा के अंदर हो जाता है, अगर वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करेगा तो ये आइसोलेशन होगा। और एक तो हम आपको पॉइंट बोल रहा है, ये जो सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, वैक्सीन सब लोग ले लो, वैक्सीन लेने का पहले हम बोलेगा टेस्ट भी करके देखना उसका एक्टिव डिजीज है कि नहीं, एंटीबॉडी टाइटर भी देख लेना चाहिए, क्यों अभी सब क्वेश्चन आया जो
वैक्सीनेटेड सॉरी कोई कोविड से उठा कोविड से रिकवर किया वो कितना दिन बाद लेगा, वो उसमें बोला 3 मंथ्स बाद लेगा, 3 मंथ्स बाद लेगा। तो सपोज कोई अगर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, कन्वर्जेंट स्टेज में है, जैसे उसका तो बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन है, वो अगर वैक्सीन ले लेगा उसका क्या हो सकता है? उसमें साइंटिस्ट बोला हाइपर इम्यून रिएक्शन हो सकता है, हाई फीवर, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग हो सकता है, इसी का डरे में लोग वैक्सीन नहीं लेने जा रहे हैं। इसको एग्जोटेड करके फेक मीडिया में बोलता है वैक्सीन लेने से मर जाएगा, वैक्सीन लेने से हेडेक होगा, फीवर होगा, ऐसा करके पब्लिक को मिसगाइड कर रहा है एकदम। कुछ दिन पहले राजा आप देखा है ये वैक्सीन बीच में बहुत हम लोग का वेस्टेज हुआ, जो 45 to 60 years मोर देन वो सब लोग को आपको बहुत लोग वैक्सीन नहीं लिया, एक डोज खोलने से 10 डोज होता है, 3 डोज लेके वो डोज को कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है, वो फेंक दिया। तो हम लोग सरकारी बेसरकारी हॉस्पिटल में बहुत वैक्सीन वेस्टेज हो गया। अभी सेकंड डोज आने के बाद सब लोग बोलता है हमको वैक्सीन दे दो, हमको वैक्सीन दे, पागल हो गया लोग जी जी। मतलब ऐसे इंडियन लोग थोड़ा सा क्या होता है ना, माने किसी का माने मंदिर और मस्जिद नहीं देखे प्रणाम नहीं करता, ये लोग भी डर से डर आने से तब करता है जी। और ये म्यूकर माइकोसिस जो बोल रहा है ब्लैक फंगस, ये आपका ट्रीटेड पेशेंट को हो रहा है ड्यू टू हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक एंड हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाई डोज स्टेरॉइड्स प्रोलॉन्ग पीरियड में देने पड़ रहा है लंग को बचाने के लिए, लंग को इडिमा को कमती करने के लिए, स्टीप लंग सिंड्रोम बा सार्स माने आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम होता है ये SARS-CoV-2 वायरस में, उसको प्रोटेक्शन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए रेमडेसिविर जो एंटीवायरल ड्रग्स, उससे कुछ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है ये ओवर डोज ऑफ नहीं है हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स लाइक मिथाइलप्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन एंड हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये प्रोलॉन्ग यूज करने से ये फंगल अपॉर्चुनिटी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है जिसका ट्रीटमेंट है टीथ में हो रहा है, टीथ में हो रहा है, ओरल कैविटी में हो रहा है, आईज अफेक्शन हो जा रहा है, इसमें क्या होता है पूरा जैसे हम लोग का गैंग्रीन हो जाता है, पच जाता है, थोट मसूड़ा पच जाता है, लंग भी अफेक्शन हो जा रहा है, जिसमें एम्फोटेरिसिन बीम एक तो इफेक्टिव एंटी फंगल ड्रग वो भी मार्केट में जल्दी मिलता नहीं, वेरी कॉस्टली एंटी ये कॉस्टली मेडिसिन और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। और आप तो जानते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो तो ले कितना ब्लैक मार्केटिंग हुआ, पब्लिक का हाथ में पैसा नहीं है, लॉकडाउन में कैसे कंडीशन में लोग धार कर्ज करके खत्म हो गया, 45,000-60,000 जो भी मोनोपोली किया जो 3,500 रुपया दाम है वो तो कितना हुआ, और रेम जो 3,500 रुपया दाम है वो तो कितना हुआ, और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हम पब्लिक के लिए बोला है इट शुड बी डिटेक्टेड आले, आप लोग का यदि सिम्टम है डोंट डिले, माने जिसका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है बिलो 94 प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट करो एकदम, जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा तब। और एक तो है आप बोला था जो म्यूकोरमाइकोसिस माने ब्लैक फंगस किसको हो रहा है, इसका कोमॉर्बिडिटी है, जिसका हाइपरटेंशन नहीं है, जिसका ब्लड शुगर है माने डायबिटीज है और मोर देन 45 ईयर जिसका एज है वो लोग बेसी चांस है इम्यून सप्रेशन कोमॉर्बिडिटी के लिए, ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइज पेशेंट। और हम लोग का जैसे वो वेंटिलेटर में इतना सिस्टर डॉक्टर ओरल कैविटी हाइजीन ये सब मेंटेन हम लोग नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जो सीवियरली अफेक्टेड कोविड वायरस पेशेंट वो लोग को ही हो रहा है, वो छुआछुई नहीं है। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, आप जानते हैं कि बाबा रामदेव और IMA के दरमियान जो तनाव फैला हुआ है, आप तो खुद IMA के मेंबर भी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है डॉक्टर्स की जो टीम है, डॉक्टर्स जो हजरात है वो समझिए एक कोरोना वॉरियर बनकर के काम कर रहे हैं, जंगजू की तरफ फाइट कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में आके काम कर रहे हैं, वहीं पर बाबा रामदेव को क्या समझ में आता नहीं समझ में आता, पूरा एलोपैथी को जो है वो बोलता है कि दिवालिया साइंस है, स्टूपिड साइंस है। तो ऐसी सूरत हाल में स्वामी जी को इस किस्म का जो वर्ड का इस्तेमाल करना ठीक था या नहीं ठीक था, हम नहीं ठीक था, हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर असीम माइती जी से जो IMA के मेंबर भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। देखिए ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑलवेज हम लोग का जो एसोसिएशन है ऑलवेज डॉक्टर के पास खड़ा रहता है, ये खाली डॉक्टर को प्रोटेक्शन नहीं देता, पब्लिक का कोई भी रिलेशन में आप जानता है रिसेंटली ममता बनर्जी बोला जो हार्ट डिवेस्टेटिंग एरिया में साइक्लोन डिवेस्टेटिंग एरिया में IMA टीम को भेजेगा, वो और दूसरा एसोसिएशन को नहीं बोला जी, बिकॉज IMA हम लोग खुद ही बोल दिया, मैं IM द लाइफ मेंबर ऑफ IMA फॉर लास्ट 15-20 years एंड मेंबर ऑफ द ये खिदिरपुर ब्रांच
हम लोग का डॉक्टर साकिल अख्तर भी प्रेसिडेंट है, तो हम लोग का उनका नेतृत्व में ऑलरेडी बहुत सोशल वर्क किया है जी। ऐसे मैं खुद ही तो बहुत सोशल वर्क किया है ये IMA छोड़ के भी जी। तो इसमें हम लोग शामिल है, तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। आप लोग सब लोग जानता है जो एक ही कोई भी एक्यूट पैंडेमिक खाली नहीं है, एक्यूट कोई भी डिजीज कौन सा, सपोज हार्ट अटैक किसी का हो गया, कोई सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर सब कुछ में एलोपैथी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। मैं आयुर्वेदिक को छोटा नहीं कर रहा, आयुर्वेदिक उनका जो रामदेव बाबा का जो बाबा रामदेव का इस किस्म का जुमला का इस्तेमाल करना, डॉक्टर को जो है समझिए कि डॉक्टर डॉक्टर बोलना, एक इलिटरेट पर्सन उस किस्म का भाषा का इस्तेमाल किया रामदेव जी ना, ये बहुत गलत काम किया। वो लोग को हम जितना रेस्पेक्ट किया था वो पूरा बहुत नीचे चला गया, क्योंकि वो लोग योगा प्रणाम जो सिखाता है उनका आविष्कार नहीं किया। योगा प्रणाम हम लोग का पूरा नाम मुनि ऋषि जो सब किया है, करके बहुत बिजनेस किया है, बहुत प्रोडक्ट वो लोग यूज कर रहा है, बहुत पब्लिक को वो खाना पीना सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो जो फालतू कमेंट कर दिया, ये तो हम लोग का मेडिकल साइंस का बहुत इंसल्टेशन है, इसको तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पर्सनली हम लोग का कंप्लेन नहीं करने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट को, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड डॉक्टर लेले जयेश लेले साहब ने उनको तो प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखे, बोले सेडेशन का चार्ज लगाकर देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलनी चाहिए, 100% करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लाइन कोविड वॉरियर्स है। राजा तुम जानता है जी, जी, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस COVID-19 सिचुएशन मैं कभी भी मैंने ये नहीं किया जो घर से हम किसी को वेबिनार में बात किया कि वीडियो कॉल करके ट्रीटमेंट किया, मैं ग्राउंड लेवल में जाके ट्रीटमेंट किया। साउथ कलकत्ता में अकेले नहीं संभाला बोलेगा, और दो तीन डॉक्टर था मैं लास्ट राइट फ्रॉम द ये कोविड सिचुएशन मार्च 2020। और आप तो जानते हैं कितना डॉक्टर लोग हम लोग का डेथ हो गया, कितना सिस्टर मेडिकल अलायड लोग का डेथ हो गया, उसका फैमिली मेरा भी एक तो फैमिली है, सब कुछ छोड़ के सब कुछ एक करके हम लोग जितना सेल्फ प्रोटेक्शन लेके पब्लिक का सेवा में इतना नियोजित है। ये सब देखने के लिए, ये सब सुनने के लिए जैसे मेडिकल साइंस, ये बहुत डायरेक्ट इंसल्टेशन है। अगर ये गवर्नमेंट इसका अगेंस्ट में स्टेप नहीं लेगा तो हम लोग बहुत मन में ये भारी पड़ेगा। और उल्टा जो है वो 25 सवाल आप लोग पर डाल दिए, ये तो भाई जवाब करने का टाइम नहीं, ये तो देश को बचाने का टाइम है कोविड के टाइम। वो सवाल जवाब पूछ रहे हैं डॉक्टर, देखिए वो आयुर्वेद कुछ जानता है बट एलोपैथी में हमको लगता है वो जीरो नॉलेज है। वो ऐसा पॉलिटिक्स का बात करके पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए हम मेरे हिसाब से लग रहा है वो कोरोनिल अपनी जो दवा हमको बिक्री करने के चक्कर में तो नहीं बोल दिया। 100% उनका जो कोरोनिल बोल के जो मेडिसिन है वो एक्सेप्ट नहीं किया, इसी गुस्सा में वो लोग एक्चुअली रिवेंज लेने के लिए ऐसा कमेंट किया, पर फ्रस्ट्रेशन में किया। उनका फ्रस्ट्रेशन का क्या जगह है, वो तो अभी बिलियनपति हो गया, इतना सब फूड प्रोडक्ट सब कुछ मिलके फिर भी उसका भूख नहीं मिटा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर दो आर द फर्स्ट लाइन, देयर नेक्स्ट टू गॉड लोग बोलता है एकदम, द फर्स्ट लाइन कोविड वॉरियर्स डॉक्टर है, मेडिकल साइंस ये खाली हम लोग का इंडिया के नहीं है, पूरा वर्ल्ड एलोपैथी को ही उसने जो है एलोपैथी मैंने एडवांस मेडिकल साइंस को ये किया। तो इसी मामला में तो उनका तो 100% उसका कन्विक्ट करने चाहिए, एवं ऐसे एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल सेट करने का माफी उसका उसका अगेंस्ट में स्टेप लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। आखिरी सवाल लेते हैं, बच्चे को भी कोविड हो रहा है तो ऐसी सूरत, अब तो चाइल्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो ऐसी सूरत हाल में एक क्या मशवरा है गार्जियन के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो अपने बच्चे को इस वबा से, इस पेंडेमिक, इस बीमारी से बचाया जा सके। आखिरी सवाल, देखिए फर्स्ट टाइम जो कोविड सिचुएशन था उसमें आपका जो स्टैटिस्टिक्स था 1 in 40,000 ऐसा युहान में हुआ था स्टार्टिंग में, तो थ्रू आउट अदर कंट्रीज ऑल्सो लास्ट ईयर में आप लोग का ख्याल है, अभी भी आप गूगल में सर्च करके देखता है चिल्ड्रंस का डेथ बहुत बहुत कम है, वो भी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी, चिल्ड्रंस का डेथ बहुत बहुत कम है वो भी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, मैंने जो बोला है जो ब्लड कोआगुलेट कर जा रहा है, ब्लड जम जा रहा है, उसमें आपका वो जो इंटरल्यूकिन 1 and 6 बढ़ जा रहा है, उसको थोड़ा लिक्विफाई करने के लिए वॉल्यूम एक्सपेंडर, हाइड्रो स्टेरॉइड्स। बच्चा को समझ में कैसे, बच्चा बोल भी नहीं पाता, बोल नहीं पाता वो लोग का, अभी कोइंसिडेंटली सर्दी खांसी बुखार जुकाम ये सब हो रहा है थोड़ा, तो आपका ये मॉनसून एरिया में अभी वायरल फीवर का भी जमाना है, वायरल फीवर के जमाने में मिसगाइड हो रहा, बट आज ये सेकेंड वेव में हम लोग देखता है खबर आया खाली नहीं है। पर्सनली मैं कम से कम लाखों फैमिली का बच्चा देखता है, टोटल 25 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में, तो मेरा जितना खबर आया कोई घर में हाउस मेंबर हुआ तो 70-80% बच्चा लोग का लाला रस में सलाइवे में पॉजिटिव है, बट ये बोल रहा है ये एक्चुअली दे आर द साइलेंट कैरियर्स है, मैंने वो दूसरा को इन्फेक्शन फैल सकता है, किसी का घर का दादू दादी को फैल सकता है, पर सिस्टमिक इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ, एक्सेप्ट फ्यू चिल्ड्रेन
जी, थोड़ा सा अफेक्शन हुआ, लार्म कुछ नहीं हुआ, वो लोग का थोड़ा सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कंजंक्टिवाइटिस, डायरिया, लूज मोशन, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होकर खत्म हो गया। बट थर्ड वेव जो आने वाला है उसमें ये ऑलरेडी समाचार सब लोग पेरेंट्स लोग को डरा दे रहा है, जो सिंगापुरियन स्ट्रेन, वो बच्चे लोग का डेथ भी हो गया दो चार लोग आने से, ये बच्चे लोग भी अफेक्शन हो गया। इसीलिए 12 से 18 साल 12 to 18 ईयर्स बच्चे लोग का ऑलरेडी इंडिया इंडियन गवर्नमेंट वैक्सीनेशन परमिशन दे दिया, बट अवेलेबिलिटी नहीं है बोल के हम लोग नहीं दे पा रहा है। और 2 से 12 जो बाकी एज ग्रुप है वो एज ग्रुप को ऑलरेडी बाहर में कुछ कुछ कंट्री ट्रायल दिया, बट अभी तो अमेरिका वगैरह में हुआ, अमेरिका में हुआ, यूके में कुछ जर्मन में हुआ, वो कुछ कुछ पार्ट में हुआ, अफ्रीकन कंट्री में 2-4 दिया, तो वो सेफ है, प्रूफ हो गया। तो मेरे हिसाब से तो वैक्सीनेशन फॉर ऑल, वैक्सीनेशन सबको देना चाहिए, ये तो मेरा तरफ से। तो बच्चे लोग को जितना भी दूर रखे, विटामिन खिलाइए, साफ सुथरा रखिए, साफ सुथरा रखिए। 2 साल का ऊपर होगा तो मास्क यूज करेगा, 2 साल का नीचे बच्चा को एस्फिक्सिया का मास्क नहीं यूज करना, लेकिन घर में कोई कोविड पेशेंट रहेगा तो बच्चा को थोड़ा दूर रखना जी, ये जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असीम मैती जी, अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल के दर्शक के लिए, नाजरीन के लिए बहुत सारे अच्छे मशवरे दिए, हम कोविड में कैसे बच सकते, नहीं बच सकते, वैक्सीन लेनी चाहिए, किसी अफवाह किसी रूमर में ना जाए, लोगों के दरमियान में ना बैठे, दूरी बना के रहे, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को, ICMR के नॉर्म्स को उसको पालन करें, लॉकडाउन को 100% पालन करें। आप देखते रहिए सरपंच न्यूज़ लाइव।